सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज के इस वीडियो में पता चलेगा व्हाट्सएप के कुछ अपडेट आए हैं वॉलपेपर के ऊपर। तो क्या है अपडेट वो पहले जान लेते हैं। तो पहला अपडेट ये है कि आप लोग जैसे कि कोई भी वॉलपेपर लगाते होगे, जैसे कि चैट के बैकग्राउंड में जो भी फ़ोटो लगाते होगे, अगर मान लो उससे फ़ोटो का बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, वो फ़ोटो मान लो बहुत ब्राइट होता है, तो उसे आप लोग एडजस्ट नहीं कर पाते थे पहले। लेकिन इस अपडेट के बाद अब उसे क्या कर सकते हो कि आप उस फोटो की ब्राइटनेस कम कर सकते हो। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके चैट बढ़िया से दिखेंगे, आपके आँखों पर बहुत ही कम असर पड़ेंगे, जैसे कि रात में अगर चैट वगैरह करते हुए। ठीक है, तो ये अपडेट बहुत ही बढ़िया है। और सेकेंड अपडेट की बात करें तो सेकेंड अपडेट और भी ज़्यादा बढ़िया है, वो ये है कि जिसका कॉन्टैक्ट है उसी का फ़ोटो आप लगा सकते हो अपने चैट में। ठीक है, पहले ये चीज़ नहीं था। अगर रोहित का कॉन्टैक्ट है तो सिर्फ रोहित का फ़ोटो लगा सकते हो, विकास का कॉन्टैक्ट है विकास का फ़ोटो लगा सकते हो। ठीक है, तो ये अपडेट बहुत ही बढ़िया अपडेट है। तो कैसे करेंगे ये सब चीज़ें वो पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला काम होगा ये, प्ले स्टोर पर जाना होगा और व्हाट्सअप को अपडेट करना होगी। ये चीज़ें तो करनी आती होगी। ठीक है, तो पहले अपडेट कर लो व्हाट्सअप प्ले स्टोर से जाके। अब सेकंड में बात करते हैं कि कैसे होगा। पहले व्हाट्सअप ओपन करना होगा आपको। व्हाट्सअप जैसे ही ओपन करते हो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आते हैं, और इस प्रकार के इंटरफेस में सबसे पहले यहाँ पे थ्री लाइंस आपको दिखेंगे। ठीक, सॉरी, थ्री डॉट्स। थ्री डॉट्स पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे आपको दिखेगा सेटिंग। देन आपको सेटिंग पे क्लिक करना होगा एंड आपको यहाँ पे एक चैट का ऑप्शन दिखता है, देन चैट पे आपको कर देना होगा क्लिक। चैट पे क्लिक करते ही आपको सेकेंड नंबर पे आप लोग देखोगे तो वॉलपेपर का ऑप्शन आएगा, देन आपको कर देना होगा क्लिक वॉलपेपर पे। एंड वॉलपेपर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि पहले ये चीज़ आपको नहीं दे, यहाँ पे एक चेंज का ऑप्शन दिया हुआ। देन जैसे ही पे चेंज पे क्लिक करते हो तो चेंज पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे आपको पहले ही जो व्हाट्सअप है प्रोवाइड करा है, जैसे कि ब्राइट में आपको लेना है तो ब्राइट में यहाँ पे वॉलपेपर दिखा है, डार्क में लेना है तो डार्क में भी आपको वॉलपेपर दिखा है, मतलब दे दिया है। और यहाँ पे अब सॉलिड कलर, जैसे कोई अच्छा कलर लेना है तो यहाँ से भी ले सकते हो। अब आपको कोई फ़ोटो लेना है तो माई फ़ोटो में जाके आपको माई फ़ोटो पे सेलेक्ट करके कोई भी अगर फ़ोटो क्रिएट करना है, मतलब लगाना है उसमें, तो कोई भी फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट करो। सपोज मैं ये फ़ोटो लगाता हूँ एंड इस फ़ोटो को मैं जैसे ही लगाया तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार के। नीचे में आपको डिमिंग का एक ऑप्शन देखता है, और इस डिमिंग से आप अपनी ब्राइटनेस कम कर सकते हो, जो कि ये फीचर बहुत ही बढ़िया लगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो भी ब्राइट फोटो थी आप उसे खुद से एडजस्ट कर सकते हो, लाइक ब्राइटनेस को कम कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको बहुत ही बढ़िया देखने में लगेगा जब आप व्हाट्सअप ओपन करिएगा। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो भी चैट आएगा ये जाएगा वो आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपका ब्राइट होगा और पीछे जो बैकग्राउंड में होगा वो आपका थोड़ी डार्क होगा, जो कि ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं सेकंड अपडेट की। तो सेकंड अपडेट ये है, लोग कैसे किसी के कॉन्टैक्ट में किसी का फोटो, जैसे कि मैंने बताया कि रोहित के कॉन्टैक्ट में रोहित का, विकास के कॉन्टैक्ट में विकास का, तो वो कैसे कर सकते हो। मान लो किसी का कॉन्टैक्ट मैंने ओपन किया, ठीक है, तो इस कॉन्टैक्ट में उसी का फोटो होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके फोटो मतलब उसके कॉन्टैक्ट को ओपन करना होगा। देन उसके कॉन्टैक्ट पे जैसे ही ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको थ्री लाइन दिखेंगे, सॉरी थ्री डॉट, और थ्री डॉट पे जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे वॉलपेपर का एक ऑप्शन अब आ गया है, जो कि पहले ये चीज़ नहीं था। एंड ये वॉलपेपर का ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है, तो इस पर आप देखिए जैसे ही क्लिक करते हैं फिर से उसी तरह का आपको ऑप्शन दिख जाता है, माई फ़ोटो और सॉलिड कलर और डार्क वगैरह जो भी। तो मुझे फ़ोटो लगानी है तो यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करेंगे माई फ़ोटो में, अब जहाँ भी उसका फ़ोटो होगा मतलब जहाँ भी होगा उस पर आपको क्लिक करके उस फ़ोटो को अप्लाई कर देना है। इसमें भी आपको डार्क का ऑप्शन दिख जाता है, एंड वहीं पे आप जैसे ही डार्क कर देते हो जैसे कि वो डिमिंग का ऑप्शन, एंड वहीं से आपका एडजस्ट हो जाता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फीचर बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप जिसका कॉन्टैक्ट में जिसका फ़ोटो लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, जो कि ये चीज़ पहले जीबी व्हाट्सएप में था, लेकिन ये व्हाट्सएप का अपडेट आने के बाद ये चीज़ आप व्हाट्सएप कर दिया। ठीक है, तो यही बस दो अपडेट था जो कि बहुत ही बढ़िया आपको लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और आपको लगता है कि इस तरह का कंटेंट मैं दे सकता हूँ आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज में। अगर कोई भी किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो, जैसे कि एडिटिंग रिलेटेड में प्रॉब्लम हो, तो नीचे कॉमेंट कर सकते हो, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।